क्या हुआ रिया, इतना मूड क्यों ऑफ है? आज ना मुझे ब्लॉग करने का ही फर्स्ट ऑफ ऑल मन नहीं कर रहा है। मतलब क्या बोलूं, अच्छा ही नहीं लग रहा है मुझे। तब भी आज राहुल का एक्चुअली वैक्सीन है, सेकेंड वैक्सीन, तो आज राहुल को लेके जाना है। और आप लोग बोल रहे थे 2 दिन से आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है दीदी, तभी मैंने लास्ट ब्लॉग थोड़ा देरी से ही पोस्ट किया है। एक्चुअली सेंटू काका का भी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, फूड पॉइजन हो गया था। तो लास्ट टू डेज से वो एडमिट है, पर अभी आज कल से थोड़ा सा बेहतर है, आज काफ़ी अच्छा है। तो मैं तो नहीं जा पा रही हूँ रायू को छोड़ के, पर शाकिब गया था मिलने। अगर शाकिब कल जाता है मॉर्निंग, तो आप लोगों को भी सेंडुआ से मिलाएंगे। तो अभी तो फिलहाल रायू को लेके जाना है मुझे वैक्सीन देने। बेचारी मेरी बहुत अच्छे से सो रही है और आज बहुत फ्रेश मूड में भी है। लेके आएंगे फिर रोने लगी, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। एक तो अच्छा ही नहीं लग रहा, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। वैसे सेंडुआ का भी ऐसा हुआ, उसका वैक्सीन भी है, क्या करे लाइफ में कभी तो, और वैक्सीन देना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए, अच्छे के लिए ही देना है। बहुत गहरी नींद में सोई है बच्ची मेरी, देखो डूडू पी रही है। चीज में सबसे ज्यादा गुस्सा हो जाती है जब हेयर बैंड लगाते हैं। पता नहीं हेयर बैंड लगाती उस इतना चिल्लाती है पर कहाँ पहन के जाएगी नहीं तो। अभी तो डॉक्टर और घर। बाहर आते ही मेरी रायू बेटी को निन्नी आ गई। रायू अभी निन्नी नहीं करनी है बेटू, हम लोग घूमने जा रहे हैं ना, जब बड़ी हो जाएगी थोड़ा सा समझदार हो जाएगी और जाना नहीं मांगेगी, नहीं मतलब गेट में जाके ही रोने लगेगी। देखो कितना ढोंग करती है, कितना ढोंग करती है। देखो ऐसे सो रही है और मन करता है कि इसको बुलाए, इतना सुकून की नींद सो रही है मेरी बच्ची। सोने से ही बस आज का पूरा दिन गया, कल का पूरा हाफ दिन। कल का हाफ दिन है, कल का भी दिन, कल का भी हाफ दिन करेगी, पूरा दिन शायद नहीं करेगी ना, वो पकड़ने से तो नहीं होगा ना। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा काम हम लोग का भी हुआ, बहुत इमोशनल वाला काम था। मेरी नोज पूरा रेड रेड हो गया रायू का, पर मेरी बेटी ब्रेव है, ब्रेव है मेरी बेटी, ब्रेव है, थोड़ा सा रोती है। सबकी बेटी ब्रेव है, लड़कियां होती ही ब्रेव है। हे नलायू, हे नलायू स्माइल पे जस्ट लाइक स्माइल, और हमें एक्चुअली और सुता के है उसका तो। मतलब ना बहुत पहले ही अंकल से मैं लेती थी बचपन से, तो मैंने शाकिब को बोला कि चलो यहाँ से जा रहे हैं तो अंकल से ही लेके जाते हैं, तुम टेस्ट करके देखो। वो कभी नहीं खाया, पर मैं बचपन से खाती हूँ, तो मुझे लगा कि यहाँ से लेके एक बार शाकिब को खिला के देखते हैं एक चाउमीन। शाकिब से और रहा नहीं गया, आते ही स्टार्ट। ऊपर को खाना खाया, देखो मेरा रिकमेंडेशन कैसा है देखते। इसको रिया ने बोला ये बचपन से खाती है, कैसा है देखते। नाउ 1 2 3 गुड, थोड़ा अलग टेस्ट है। अच्छा है, सही में अच्छा है ना, सही में। यहाँ पे रायू वैक्सीन लेके सोई हुई है। रायू थोड़ा सा स्माइल कर दो बेटी, कितनी सुंदर मैंने रेड कपड़ा पहना है, देखो नई सुंदरी। तो जब से लेके आए थे वो सोई हुई थी, अभी उठी है, पैर हिला रही है थोड़ा सा, शायद उसको लग रहा है, तो रोने लगी थी। मैं ले रही हूँ, चीख चीख के रो रही है, पर उसका पापा जब उसको ले रहा है वो सुकून से सो रही है। तो अभी वो शाकिब के गोदी में ही सोया हुआ है, शाकिब के गोदी में ही अभी वो सोई हुई है। ये तड़का लेके आया है और रोटी तो आता ही है। अभी तो रायू चैन की सोई हुई है, उसको उसका पापा पकड़ के रख के देखते रात में क्या करते। ओके गाइस, गुड नाइट, कल मिलते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी है नेक्स्ट डे और मैं अभी जा रहा हूँ सेंटुआ से मिलने। ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके हैं, 9 बजे से वेजिंग टाइम है, तो मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने थोड़े देर पहले ही सुना सेंटुआ का तबीयत ख़राब है, 2-3 दिन से वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो चलो जल्दी फटाफट जाते हैं हॉस्पिटल में। तो आ चुके हैं, आज जाके अंदर देखते चौंपा नीचे है कि नहीं। सेंटू काका का हालत देखो,
मतलब 3-4 दिन से बेचारा बेड में पड़ पड़ के वो एकदम दुबला पतला हो गया, मुंह वो सूख गया है। ना पेशेंट हो रहा कमी बहुत। चौंपा का सेंडू आ गया, सोच सोच के चौंपा का बुखार आ गया है। और उसका लड़का का भी, मतलब तीनों का एक घर में। और पेपर का हर एक वर्डिंग पढ़ चुके हैं सेंडुआ का, इतना दिन से बैठ बैठ के। तो अभी कैसा लग रहा है? ठीक है, चलो बहुत जल्दी जल्दी बहुत ठीक हो जाओगे, हम लोग पेयर करेंगे। आप सब भी उनके सेंडुआ के लिए पेयर करना कि सेंडुआ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो चलो सेंडुआ से तो मिल लिए और विजिटिंग आवर भी खत्म हो गया, आप घर जाते हैं। वो अभी ठीक है, मतलब पहले से बहुत ठीक है। 2-3 दिन में डिस्चार्ज भी मिल जाएगा, शायद 2 दिन में मिल जाएगा डिस्चार्ज। और एक बात, मतलब क्या बोलते, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम ऐसा जगह आने से ना, और ऐसा मेंटलिटी हो जाता है ना, इतना पेशेंट, हर इंसान का इतना अलग अलग किस्म का दुख दर्द देख के ना, बहुत मतलब क्या बोले, मतलब जैसे लगता है कि आज से ये नहीं करूँगा, आज से वो नहीं करूँगा। मैं और रायू भी उठ गए हैं सो के, और रायू थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल है, पर उसका तबीयत ठीक है। पर रात में हल्का सा उसका गर्म था बॉडी, हल्का सा बिल्कुल। तब हमने टेम्परेचर चेक किया तो देखा 100 नहीं हुआ है, 99-98 ऐसा कुछ था। तो हमने और उसको दवाई नहीं दिए थे, आने के बाद थोड़ा सा दे दिए थे हल्का सा, जब उसको वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे, उसके बाद और नहीं दिए। तो अभी आप लोगों ने देखा वो शाकिब गया था मिलने हॉस्पिटल, तो वो आ गया। तो अभी मैं चाय चढ़ा रही हूँ और रायू को भी दूध पिला दिया है, वो अभी उसके पापा के पास सोई है। और मेरा आँख देखो, आँख फुल गया है बिल्कुल, मतलब 2-3 बार कल उसके तबीयत के लिए नींद सही से नहीं हुआ ना, उठ रही थी 2-3 बार देख रही थी। पर आज मुझे बहुत काम है, ब्रांड्स का शूट करनी है, खाना भी आज देखते हैं क्या बनाते हैं। मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ आलू पोस्तों का रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत जन बोले कि दिया बंगाली हो तो आलू पोस्तों का रेसिपी ज़रूर शेयर करना। और मैंने बनाया था भी लास्ट टाइम, तो बहुत ही यम्मी बनी थी। तो मैं पूरी ट्राई करूँगी कि आप लोगों के लिए बनाऊँ। और शाकिब को बैंक भेजनी है, क्योंकि पता नहीं यार, ब्रांड्स का काम करने के बाद कुछ ब्रांड्स का पेमेंट वो भेजते, वो बोलते कि भेज दिए, बहुत जन स्क्रीनशॉट नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके चक्कर में मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी, कुछ पेमेंट का गड़बड़ लग रहा था। तो वो शाकिब को एक बार भेजेंगे बैंक में अपडेट लेने के लिए कि सही में आया है कि नहीं एंड ऑल, तो वो देखेंगे। तो चलो पहले चाय बना ले, ब्रेकफास्ट कर ले, चाय नहीं पियेंगे तो मतलब मेरा नींद नहीं खुलेगा। इसीलिए थोड़ी सी शहमी है बेटी। तो अभी बज रहा है 1:20 और मुझे कुकिंग करनी है। दाल बॉयल कर लिया था, अभी यहाँ पे मैंने पॉपी शीट्स लिया है पोस्तो, और उसके साथ 2 ग्रीन चिली। इसको हल्का सा पहले चला लेंगे, उसके बाद पानी देके चला लेंगे, और आलू और प्याज मैं काट लेती हूँ। तो सबसे पहले तो कढ़ाई में हमें अच्छे से सरसों का तेल ले लेना है। सरसों का तेल से बनाए, इससे ना झाज काफ़ी अच्छा होता है और कुकिंग का टेस्ट भी अच्छा आता है। और मैंने इसमें दे दिया है ऑनियन, और ऑनियन को अच्छे से फ्राई कर लिया। आप लोग विदाउट ऑनियन भी बना सकते हैं, जो लोग बिल्कुल ऑनियन नहीं खाते या शनिवार के दिन बना रहे हो तो उसके अंदर ऑनियन अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद पोटैटो को दे देना है। मैंने पोटैटो को ऐसे शेप में काटा है, ऐसे ही काटे, और उसके बाद उसमें नमक ऐड कर देना है स्वाद अनुसार, उसके बाद हल्दी पाउडर और रेड मिर्च पाउडर। बस कोई कोई रेड मिर्च पाउडर भी नहीं देते, पर मैंने दिया है, इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। और तीखा आप लोग अगर खाना चाहते हो तो थोड़ा सा ग्रीन चिली आप लोग ऐड कर सकते हो, मैंने पेस्ट दिया था बोलकर और ऐड नहीं किया है। उसके बाद टमाटर ऐड कर देना है और उसे अच्छे से एकदम फ्राई कर लेना है। आफ्टर दैट थोड़ा सा पानी दे के उसे बॉयल होने के लिए देना है। पोटैटो अच्छे से बॉयल हो जाए तो ऐसे ढक ढक के कर लेना है, देखना 5-10 मिनट्स के अंदर हो जाएगा, क्योंकि आलू बहुत ही छोटा छोटा करके काटा था। उसके बाद जो पेस्ट मैंने बना के रखा था पोस्तो और ग्रीन चिली का, उसे ऐड कर देना है। और पोस्तो देके ना ज़्यादा देर तक हमें कुक नहीं करना है, बस हल्का सा ढक के रखना है। और मैं यहाँ पे टेस्ट कर रही थी कि नमक इसमें सही आया है कि नहीं, अगर नमक कम आता है तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा दे दें, क्योंकि मैंने पोस्तो जब पेस्ट करी थी तब नमक नहीं दिया था। और ऊपर से सरसों का तेल थोड़ा सा ऐड कर दे, बहुत बेहतरीन होगी। तो बातें करते करते हो गई मेरी पोस्तो रेडी। अभी 3 बजने में 10 मिनट बाकी है और यहाँ लंच लगा है, राइस प्याज नींबू, उसके साथ पोस्तो,
दाल तो मैंने पहले ही दिखाया और थोड़ा सा शाकिब ने बनाया फुलुरी माखा, उसमें प्याज और थोड़ा सा ग्रीन चिली देके बनाया है। कौन कौन खाता है बोलना, ये मैं पहले नहीं खाती, शाकिब ने बनाया, टेस्टी होता है, खा के देखना कभी। मैं बहुत यम है, मैं मतलब क्या बोलूं, बहुत यम बनी है, एक बार ट्राई करके देखना। ये वाला कुछ तो शायद ऐसे ही होता है, जिनको नहीं पता, मैंने भी सेकेंड टाइम बनाया, आप लोग एक बार खा के बताना ज़रूर मुझे बना के। मैंने ये बॉटल्स मंगवाए हैं अमेज़ोन से रायु के लिए, वहाँ पे तो उसका वो 2 बॉटल्स है अभी ना, मैं यहाँ से एक नया निकालूँगी और अभी बॉईल करने देंगे, मतलब डिसइंफेक्टेड करने के लिए बिठा दूँगी। और यहाँ पे बहुत सारे पार्सल्स आए हैं मेरे, पर अभी मुझे काम भी करने बैठना है, 4 बज गए, तो पहले ये बॉटल्स को इनमें से एक ही निकालेंगे। बेचारी का मूड एकदम अच्छा नहीं है, तबीयत भी अच्छा नहीं है, और अच्छा एकदम नहीं लग रहा, तब भी काम करना पड़ेगा। बहुत ही मतलब नींद में ना मेरा पूरा आँख पकड़ लिया है, पर इसी टाइम रायुस होती है और लाइट भी अच्छा रहता है, इसीलिए इसी टाइम मुझे शूट करनी पड़ेगी, तब भी लेट हो गया है। और शाम मतलब वीडियो भी आप लोगों को एडिट करके आज ही लाइव करनी होगी, मतलब क्या बोली, इतना काम है, पर रायुस सोई हुई है बोल कर, शाकिब अभी शाकिब का काम नहीं है, वो उसके पास सोया रहेगा तो मैं अपना वीडियो आराम से बना लूँगी, यही तो शाम से तो शाकिब निकल जाएगा, मुझे बैठना होगा, तो बाद में मिलती हूँ आप लोगों को। आज मैं ना ये रेड वाइट बोरोदेश साड़ी पहन के, मतलब बंगाली ट्रेडिशनल लुक एक्टा क्रिएट करो, एक्साइटेड तो बहुत हूँ पर आज मूड थोड़ा लो है, पर काम करने बैठेंगे तो आई थिंक मूड फ्रेश हो जाएगा। चलो लुक क्रिएट करके मिलते, तो मेकअप तो मेरा हो गया, अब मैं साड़ी पहनूंगी एंड उसके बाद आप लोगों को फुल लुक दिखाती हूँ। और इसके ऊपर जो ट्यूटोरियल है जल्दी ही चैनल पे अपलोड हो जाएगी, आई थिंक टुमारो मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप लोगों को अगर ये मेकअप पसंद आ रही है तो आप लोग देख सकते हो, टुमारो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अभी रायु का कपड़ा बाहर सब कुछ पड़ा हुआ है, पर शाम होने वाली है, मतलब एकदम 6:30 बजने वाली है, तो मैं फटाफट वो सब उठा लूँ, उसके बाद मैं पूरा लुक कंप्लीट करके आप लोगों से मिलती हूँ। सच बोलो तो मुझे लग रहा है कि आज मैं सच में बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हूँ, मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है ये लुक, और मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये साड़ी इतनी प्यारी है, चूड़ी शाका पौला, ये लुक मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा जच रहा है। और शाकिब की रुको, शाकिब अभी सो रहा है, उसका एक्सप्रेशन देखते हैं जाके। यहाँ पे सो रही है शाकिब कैम लगे हाँ के देखो कैम लगे सत्य। तो मेरा वीडियो शूट कंप्लीट हुआ, अभी बज रहा है 7:15, अभी मैं एडिट करने बैठूंगी यार चाय वाय पी के। और रायु रानी क्या कर रही है, देखो रायु रानी देख रही है कि मेरी मम्मा इतनी मेकअप क्यों की है, इतना सजी क्यों है, वो इधर उधर करके देख रही है, रुको दिखाती हूं। मम्मा को देख के रो रही है, मम्मा को देख के, मतलब गुड न्यूज है आज के लिए, रिया का सबसे मतलब फर्स्ट वीडियो 1 मिलियन गया है, मतलब लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट्स तो जाता ही है, लॉन्ग वीडियो पहला बार हम लोगों का 1 मिलियन जिसमें रायु है, इसमें रायु है, थैंक यू सो मच। और रायु को देखो मेरी तरह एक आंख से देख रही, 2 आंख से देख रही है कि मेरी मम्मा क्या मेकअप की है, तुमको इससे भी बढ़िया मेकअप करके देंगे रायु, सबको बाय कर दो, सबको बाय कर दो रायु, हंस के बाय की है। चलो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, और रायु के लिए खूब सारा प्यार भेजते रहना, रायु कौन स्टैंड मुझे देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी, सो टिल देन बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर, और ये मेकअप लुक कल मैं अपलोड कर दूंगी, बाय।